हेलो दोस्तों, तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि रिब क्या होता है, उसके बाद फिर हमने मिरर देखा था। तो इन दिस वीडियो हम देखने वाले हैं कि सेल कमांड क्या होता है और रैप क्या होता है। तो सेल कमांड ये होता है जब हमें हेलो आउट आउट ए पार्ट के और लिविंग ओपन फेस यू सिलेक्ट, जो आपको कट करना रहता है या हॉलो सेक्शन पार्ट आपको बनाना रहता है, तो हम सेल कमांड का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक क्यूब बनाया, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे भी मैं सेल कमांड पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ भी फेस ना सिलेक्ट करते हुए मैं ओके कर दूंगा तो भी वो सेल हो जाता है। जिसके अगर आपको यहाँ पे देखता हो तो आप सेक्शन व्यू पे देख सकते हो, बाय डिफॉल्ट वो 10 की थिकनेस लेके वो उतना सेल कर देता है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई फेसेस वगैरह नहीं सिलेक्ट किया था, सिर्फ मैंने सेल कमांड क्लिक किया था। मैं एक बार फिर से करके बताता हूँ, ये सेल कमांड डिलीट करता हूँ ये। उसके बाद यहाँ पे सेक्शन भी देख सकते हो, ये सॉलिड बॉडी है। उसके बाद फिर मैं इस फिर से जाता हूँ सेल कमांड पे, एंड देन यहाँ पे 5 थिकनेस सिर्फ दे देता हूँ। यहाँ पे मैं अभी पिछले बार 5 था, इस बार 10 कर देता हूँ, एंड देन मैं ओके कर देता हूँ। मैं कोई फेस नहीं सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे ओके कर दिया हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेल हो गया है। उसके बाद यहाँ पे सेक्शन व्यू, अगर आपको नहीं देख रहा तो आप यहाँ पे सेक्शन व्यू से देख सकते हो। तो ये होता है सेल कमांड। उसके बाद सेल में हमको दूसरा ऑप्शन मिलता है, मैं पहले सेल किया और डिलीट कर देता हूँ। जैसे मैं सेल पे क्लिक करता हूँ तो आपको कोई ओपन फेस चाहिए, ओपन फेस चाहिए तो यहाँ पे आप जो फेस रिमूव करना चाहते हो उसको यहाँ पे क्लिक कर दो। और उसके बाद यहाँ पे थिकनेस आप, मैं यहाँ पे 2 ले लेता हूँ, एंड देन यहाँ पे शो प्रीव्यू पे देख सकते हो। और उसके बाद वहाँ पे एक आपको कमांड मिलता है सेल आउटवर्ड एंड इनवर्ड। बाय डिफॉल्ट वो इनवर्ड होता है, लेकिन आपको अगर आउटवर्ड चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करके आउटवर्ड कर सकते हो। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये हमें 2 mm की थिकनेस से हमें सेल करके दे देगा। उसके बाद सेल में एक और कमांड है, इसको मैं डिलीट करता हूँ। फिर से मैं सेल में जाता हूँ। सेल में जाने के बाद फिर मैं यहाँ पे ओपन फेस सिलेक्ट करता हूँ, जो फेस मुझे रिमूव करना है। उसके बाद यहाँ पे मैं मल्टी थिकनेस ऑप्शन है, तो जैसे ही मैं मल्टी थिकनेस पे ऑप्शन ऑन करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे मैं 2 फेसेस दे रहा हूँ। यानी वैल्यू यहाँ पे देख सकते हो आप, 2 mm की थिकनेस से मैं यहाँ पे 10 दिया हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे ओके करता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो जो मैंने 2 फेसेस सिलेक्ट किया था, यहाँ पे 10 इन 10 mm का है और थिकनेस वॉल की थिकनेस है, और यहाँ पे 2 2 mm की है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप मल्टी थिकनेस सिलेक्ट कर सकते हो, मल्टी थिकनेस आप यहाँ पे फेसेस वगैरह सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये होता है हमारा सेल कमांड टू क्रिएट हॉलो पार्ट। तो उसके बाद हम इसमें देखने वाले हैं कि रैप क्या होता है। तो जैसे ही मैं रैप पे क्लिक करता हूँ, तो मैं जैसे मुझे जिस फेस पे चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे इस फेस पे चाहिए, मैं इस फेस पे क्लिक करने के बाद वो डायरेक्ट मुझे एक स्केच पे लेके आता है। तो स्केच पे आने के बाद मैं यहाँ पे कंट्रोल एड से नॉर्मल करता हूँ, एंड देन यहाँ पे मैं जाता हूँ टेक्स्ट लिखना है। एक्चुअली रैप कमांड इसलिए यूज होता है कि आपको कुछ आपकी कंपनी का मार्किंग या कुछ आपको कुछ टेक्स्ट में लिखना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं रैप रैप कमांड। तो जैसे कि मैं यहाँ पे टेक्स पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं टेक्स लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल डिज़ाइन MK कैट ट्यूटोरियल। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद फिर मैं यहाँ से इसको कंट्रोल भी कर सकता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद आपको बाकी आपको पता है कि बोल्ट वगैरह करना है या फिर इटालियन में करना है, तो यहाँ पे आप सब सिलेक्ट करके बोल्ट वगैरह कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे बोल्ड कर दिया, एंड देन मैं यहाँ पे ओके कर दिया हूँ। उसके बाद मैं इसके स्केच से एग्जिट करता हूँ यहाँ से। उसके बाद फिर मैं चल रैप कमांड पे क्लिक किया तो रैप कमांड में आ गया। तो रैप कमांड में हमें 3 टाइप के मिलते हैं, जैसे कि पहले होता है इम्बोज, एंड दूसरा होता है डिबोज, एंड तीसरा होता है स्क्राइब। इम्बोज मीन्स हमारा जो मटेरियल है वो आउटसाइड से ऐड होता है, एंड दूसरा हमारा जो डिबोज है वो कट कर देता है हमारा जो जिस फेस पे हम ड्रॉ करते हैं। नहीं, स्क्राइब मीन्स सिर्फ वो जो हमने लिखा है वो सिर्फ मार्क हो जाता है, ना कि वो कुछ कट वगैरह मटेरियल रिमूव वगैरह नहीं होता है। जैसे कि अभी यहाँ पे मैंने डिबोज सिलेक्ट इम्बोज सिलेक्ट किया है, उसके बाद स्केचेस है, उसके बाद मुझे किस फेस पे चाहिए तो मैं इस फेस पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप वैल्यू वगैरह कंट्रोल कर सकते हो जितना आपको चाहिए। तो फिलहाल मैं यहाँ पे 5 mm रखता हूँ, एंड देन उसके बाद फिर मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 5 mm आउटसाइड मटेरियल ऐड कर देता है। तो यहाँ से मैं जाके इसमें जाता हूँ, फिर यहाँ पे और इसको कम कर देता हूँ 1 mm, देन मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मटेरियल ऐड हुआ है। उसके बाद फिर से मैं यहाँ पे एडिट कर पे जाता हूँ। ओके, अब मैं यहाँ पे वैल्यू बढ़ा देता हूँ 2 mm, तो उसके बाद आपको क्लियरली दिखेगा कि मटेरियल ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप डिज़ाइन MK कैट ट्यूटोरियल, जो हमने यहाँ पे रैप टेक्स रैप
टेक्स्ट लिखा था। फिर यहाँ पे मैं फिर से राइट क्लिक करके वहाँ पे दूसरा ऑप्शन है डिपोज, डिपोज भी इसमें इनसाइड मटेरियल कट कर देता है। जैसे मैं यहाँ पे डिपोज ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, देन बाकी वैल्यू सेम रखता हूँ, फेसेस वगैरह भी सेम, देन ओके करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो इनसाइड कट होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये था डिपोज। उसके बाद हमें रैप में तीसरा ऑप्शन मिलता है जो कि है स्क्राइब। स्क्राइब में सिंपल मार्क हो जाता है उस फेस पे, इसके बाद मैं क्लिक करता हूँ, ये ना ही ऐड होता है सिर्फ मार्किंग होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोई मटेरियल इसमें ऐड नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। तो ये होता है रैप टेक्स। आपको कुछ अगर लिखना है या फिर टेक्स वगैरह लिखना है ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो आप यहाँ पे रैप टेक्स का यूज़ कर सकते हो। तो इन दिस वीडियो में हमने देखा है कि सेल कमांड क्या होता है, यानी रैप टेक्स रैप क्या होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।